वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्लीव्स डिज़ाइन। इसके लिए हमने आस्तीन को इस तरह से काट लिया है। अब हमें आस्तीन को जो हमारा बीच वाला फोल्ड वाला साइड है उसे हम सीधे इसे कट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ चारों भाग को ऐसे अलग कर लिया है। इसके बाद हमें एक पार्ट को अलग रख कर हमारी जो आस्तीन की जो दोनों साइड है उस पर हम 1 इंच का इस तरह से निशान लगा देंगे। हमें यहाँ पर 1 इंच का ऐसा सीधा निशान लगा लेना है। ये हमारी सीधी साइड है, जो फोल्डेड साइड होती है वो इसे हमने बीच में से कट कर लिया है। देखिए इस तरह हम 1 इंच का इस पर पूरे पर निशान लगा दें। ऐसे ही हमें दूसरे भाग में भी 1 इंच का निशान लगा दें। देखिए यहाँ पर मैंने 3.5 इंच की चौड़ी एक पट्टी ली है। हमें एक लंबी पट्टी ले लेनी है। उसके बाद हम इसे ऐसे फोल्ड कर हम इसे उल्टी साइड इसको फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। बाद में हम इसे पलट लेंगे। हमें एक बेल्ट की तरह इसे तैयार करना है। देखिए यहाँ हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। इस तरह से हमें लंबी पट्टी तैयार कर लेनी है। अब हम इसे पलट लेंगे। सीधी साइड हम इसको सीधा कर लेंगे और इसे प्रेस कर हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 3 इंच लंबी इस तरह से इस बेल्ट में से पट्टियों को कट कर लिया है। अब हमारी जो स्लीव्स है जहाँ हमने 1 इंच का इस तरह से निशान लगाया था उसको सीधे भाग में ही इन पट्टियों को हम अटैच करेंगे। इस तरह से हम जहाँ हमने 1 इंच पर निशान लगाया है उसे छोड़ते हुए हम निशान पर इनको इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए एक एक रखते हुए हम इनको अटैच। हमने यहाँ पर सारी पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हमने जो 1 इंच का मार्जिन बाहर छोड़ा हुआ था उसको हम इस तरह आगे की साइड फोल्ड करते हुए इसे कवर कर देंगे। हमें पट्टियों के ऊपर ही इसे सिलाई लगानी है। देखिए इसे आगे के भाग में हम कवर करेंगे और इस तरह से पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। इसे ऐसे कवर करने के बाद हम पट्टियों को इस तरह से पलटेंगे और एक चपटी सिलाई लगा लेंगे जिससे ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। एक भाग हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसमें दूसरा भाग अटैच करेंगे। दूसरा भाग अटैच करने के इस तरह से हम इस पर भी 1 इंच का निशान मैंने यहाँ पर लगा लिया है। इसके बाद हम इसे उल्टा रखेंगे। जो हमारा नीचे वाला भाग है वो सीधा रखेंगे और ऊपर हमने जो यहाँ पर बेल्ट अटैच किए हुए हैं उसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और जो हमने 1 इंच का मार्जिन लिया है वहीं पर इन बेल्ट को रख कर हम सिलाई लगा देंगे जिस तरह से हमने पहले वाले भाग में लगाई थी। देखिए इस तरह से हम रख लेंगे और अब इसे हम सिलाई लगा देंगे।
देखिए यहाँ हमने सभी दोनों हमारे दोनों जो स्लीव्स के पार्ट हैं उनको अटैच कर लिया है इसमें। अब इसे भी हमने जो एक इंच का मार्जिन छोड़ा था उसे इस तरह ऊपर रखते हुए फोल्ड कर लेंगे। इससे हमारी सिलाई भी दब जाएगी और पीछे से फिनिशिंग भी अच्छी दिखेगी। देखिए इस तरह से हमें ऊपर से फोल्ड कर लेना। देखिए हमारी स्लीव्स रेडी हो गए। अब इसके बाद में हम इसमें बो क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ सुई ली है और सुई की सहायता से इस तरह मैं बीच में जो हमारे बेल्ट के सेंटर में टांके लगाऊंगी और इस तरह से जिस तरह हम एक बो क्रिएट करते हैं उसको अच्छे टाइट से बांध दूंगी। देखिए इस तरह से सभी बेल्ट को हम इस तरह से बांध देंगे तो ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। यहाँ बीच में आप चाहें तो एक मोती या स्टोन भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ इसे सिंपल रख रही हूँ। इस तरह से हमें इसे अटैच कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।